subscribe to my channel Jannat Beauty Tips and it's subscribe to me also press the bell icon for updated my new Assalamualaikum. Hi, what's up? It's again me. Today I'll bring amazing review on Skin Vita facial. So ye hai uske steps. एंड लेट स्टार्ट द वीडियो. फेशियल से पहले आप क्लाइंट का फेस मेकअप रिमूवर से अच्छे से साफ़ कर लें ताकि अगर इन्होंने कोई भी मेकअप या क्रीम वगैरह लगाई है तो वो फेस से रिमूव हो जाए. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लींज़र. मैं यहाँ स्किन विटा का क्लींज़र यूज़ कर रही हूँ. इट्स स्मेल रियली गुड. थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर रब कर मसाज करना है आपको जेंटली 3-4 मिनट्स के लिए. और फिर स्पंज की हेल्प से आप इसे रिमूव कर लें. क्लींज़र आपके फेस से डर्ट पोल्यूशन को निकाल कर बाहर करता है. और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ऑयली स्किन के लिए वाटर क्लींज़र जो है वो अच्छा होता है और सूट करता है इनको. और ड्राई स्किन के लिए क्लींजिंग मिल्क जो है वो उनको सूट करता है. और ये जो है ऑयली स्किन, ये जो है ऑल स्किन टाइप के लिए जो है वो सूटेबल है. बहुत ही लाइट है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता बल्कि मॉइस्चराइज करता है. और आप हमेशा रात को क्लींजिंग यूज़ किया करें. एंड जो है आप रोज़ाना क्लींजिंग यूज़ करें. एंड ऐसे जो है जेंटली 3-4 मिनट के लिए आपको मसाज करना है. और फिर कूल वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ या फिर स्पंज की हेल्प से आपको इसे फेस से रिमूव कर लेना है. सो इसके रिजल्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट क्लींजर किया है और इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो शो हुए हैं. इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये काफ़ी अच्छा फेशियल है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ मसाज क्रीम. तो यहाँ पर मैं मसाज क्रीम थोड़ी सी लूँगी. और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप हल्के हल्के से इस मसाज क्रीम से मसाज करोगे. और जेंटली आपको इसे 2 मिनट मसाज करना है और फिर आप इसे रिमूव कर सकते हो. आपको इतना मसाज करना है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में. और ये पूरी किट फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छी है गर्ल्स. और इस तरह से जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही हल्के हाथों से जो है वो मसाज करना है ताकि क्लाइंट के जो फेस है उस पर कोई किसी किस्म का रेडनेस या फिर जो है उनके फेस पर रैश ना हो जाए. एंड इस तरह लाइटली जो है मसाज करने के बाद जो है आपको इसको रिमूव कर देना है. आप इसको रिमूव कर सकते हैं स्पंज की हेल्प से भी एंड कूल वाटर की हेल्प से भी. आप जो है वो इसको ठंडे पानी के साथ जो है वो रिमूव कर सकते हैं. सो इसको जो है वो हम रिमूव कर देंगे. एंड आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. सो मुझे ये फेशियल जो है वो काफ़ी अच्छा लगा और इसके रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगे. तो मैंने सोचा कि इसका जो रिव्यू है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए. इसके बाद जो है हमारे पास वाइटनिंग स्क्रब. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ स्क्रबिंग. स्क्रबिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेप इन स्किन केयर रूटीन. यहाँ मैं स्किन विटा का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स स्मेल डिवाइन. और ये मैं बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में ले रही हूँ. इसमें छोटे छोटे से बीजेस हैं जो आपकी स्किन को हर्ट नहीं करते बल्कि आपकी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं और आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देते हैं. स्क्रब को हमेशा वीक में 1 या 2 टाइम यूज़ करना चाहिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप वीक में 1 बार यूज़ करें. एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है देन यू कैन यूज़ इट फॉर 2 टाइम्स इन वीक.
तो यहाँ पे मैं जेंटली मसाज कर रही हूँ और स्क्रब को आपने सर्कल में मसाज करना है और स्क्रबिंग के बाद आप कूल वाटर या फिर स्पंज की हेल्प से रिमूव कर दें। दिस स्क्रब इज़ द वन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। इसके बाद आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी एंड ये जो है हम रिमूव कर देंगे अभी। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि ये स्क्रब जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी आउट क्लास हैं। ये आपके सामने हैं इसके रिजल्ट्स। एंड नेक्स्ट अप जो है हमारे पास स्किन पॉलिशर, स्किन विटा का जो है वो स्किन पॉलिशर हम यूज़ कर रहे हैं और इसके बैक पर जो है इसके इन्ग्रीडियंट्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये भी हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। और स्किन पॉलिश जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो स्टेप है। ये जो है कुछ लोग जो है स्किन पॉलिशर का स्टेप स्किप कर देते हैं, सो इसको भी जो है हमें जेंटली 2 to 3 मिनट के लिए जो है मसाज करना है और बहुत ही अच्छे से जो है हम इसका मसाज करेंगे। एंड इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सो मसाज करने के बाद जो है हम इसको स्पॉन्ज की हेल्प से जो है वो इसको रिमूव कर देंगे। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि ये फेशियल जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है इसके रिजल्ट्स लग रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फेस पैक। फेस पैक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर स्किन केयर रूटीन। लाइक वीक में 2 to 3 times जो है आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं स्किन विटा का स्किन हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से आपको इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है और 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेना है। तो बेस्ट पार्ट के लिए फेशियल मास्क जो होते हैं या मड मास्क जो होते हैं ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं। अगर आप स्क्रबिंग मसाज के बाद कोई इम्प्योरिटीज़ रह जाएं आपके फेस पर तो इसको रिमूव कर देते हैं और साथ ही साथ आपके फेस को मॉइस्चराइज़र और टाइट कर देते हैं। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद फेस पर बहुत ही कूलिंग सेंसेशन फील होती है, बहुत ही ठंडा फील होता है फेस पर। हो सकता है कुछ लोगों को इरिटेशन हो इस मास्क से, बट जो रिज़ल्ट आपको ये देता है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और क्लियर लगता है इसके यूज़ करने के बाद। ये आप गाइस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।